नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा आज यानी कि 12 जून को बाराबती स्टेडियम कटक के मैदान पर इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7 बजे से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस दूसरे टी20 मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती हैं, आपको इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में कौन से दो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है आप सभी इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस के लिए, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 7 विकेट से हराया था, जहां पर इंडिया के बल्लेबाजों ने तो बेहतरीन प्रदर्शन किया था और फर्स्ट इनिंग्स में 211 रन का विशाल स्कोर बनाया था। पर उस मैच में जो इंडिया के बॉलर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खराब गेंदबाजी करी थी और 211 रन के बड़े स्कोर का भी वो बचाव नहीं कर पाए थे। ऐसे में दोस्तों, दूसरे टी20 मैच के लिए आपको टीम इंडिया के गेंदबाजी डिपार्टमेंट में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जहां पर दोस्तों आवेश खान जो पहले टी20 मैच में काफ़ी इनएफेक्टिव साबित हुए थे, एक भी विकेट वो नहीं ले पाए थे, उनकी जगह पर टीम अर्शदीप सिंह को इस दूसरे टी20 मैच में मौका दे सकती है, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने IPL में भी ये दिखाया है कि वो डेथ ओवर्स के काफ़ी ज़्यादा अच्छे गेंदबाज हैं और इकोनॉमिकल भी साबित होते हैं डेथ ओवर्स में। ऐसे में दोस्तों वो इस मैच में प्लेइंग 11 में जगह बना सकते हैं आवेश खान की जगह, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी हमने देखा था कि डेथ ओवर्स में टीम इंडिया के सभी तेज गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा महंगे साबित हो रहे थे। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरा बड़ा बदलाव आपको इस मैच में देखने को मिल सकता है वो हो सकता है अक्षर पटेल की जगह रवि बिश्नोई को इस मैच में मौका दिया जा सकता है, क्योंकि अक्षर पटेल जो कि ऑलराउंडर हैं वो भी पहले टी20 मैच में गेंद के साथ काफ़ी ज़्यादा महंगे साबित हुए थे, तो उनकी जगह पर रवि बिश्नोई भी ये मुकाबला खेल सकते हैं। हालांकि दोस्तों, रवि बिश्नोई के खेलने के चांसेस कम हैं और अक्षर पटेल के साथ टीम कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकती है, लेकिन अगर बदलाव होता है तो ये बदलाव भी आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, जो आपको टीम इंडिया की प्लेइंग 11 है वो दूसरे टी20 मैच के लिए कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है, जहां पर आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड के साथ ईशान किशन, नंबर 3 पर आ सकते हैं श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर कैप्टन एंड विकेटकीपर ऋषभ पंत, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पर अक्षर पटेल या फिर रवि बिश्नोई, नंबर 8 पर हर्षल पटेल, नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह और नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल आ सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे टी20 मैच के लिए साउथ अफ्रीका टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले टी20 मैच में शानदार जीत हासिल करी थी, ऐसे में दोस्तों बहुत कम चांसेस हैं कि ये अपने विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव करेंगे। हालांकि दोस्तों, अगर पिच जो है वो ज़्यादा स्टीमर्स को फेवर करती है तो हो सकता है कि केशव महाराज जो कि पहले मैच में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए थे, उनकी जगह पर टीम यहाँ पर लुंगी एनगिडी या फिर मार्को जेंसन को प्लेइंग 11 में मौका दे सकती है। इसके अलावा आपको इनकी प्लेइंग 11 अनचेंज्ड ही नजर आएगी, जहाँ पर आपको इनके लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के साथ तेम्बा बावुमा, नंबर 3 पर आ सकते हैं रासी वांडर डुसन, नंबर 4 पर डेविड मिलर, नंबर 5 पर ट्रिस्टन स्टब्स, नंबर 6 पर ड्वेन प्रिटोरियस, नंबर 7 पर वेन पार्नेल, नंबर 8 पर कैगिसो रबाडा, नंबर 9 पर लुंगी एनगिडी या फिर केशव महाराज, नंबर 10 पर एनरिक नोकी और नंबर 11 पर तबरेज शमसी आ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 के साथ इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों टीमें आपको इस दूसरे टी20 मैच में खेलते हुए नजर आ सकती हैं। आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव दूसरे टी20 मैच में हो सकते हैं, किस खिलाड़ी को इस दूसरे टी20 मैच में मौका देना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।